इतनी बड़ी बाइक रखी है, स्कूटर है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, फिर भी अपने हाथ से। जिस हिसाब से वेदर है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बारिश तो होगी नहीं, बट वेदर सही हो गया मुंबई के अंदर। एंड जिसको बाहर रह के कुछ काम करवाना है वो करवा सकता है, अब मैं नहीं जा सकता। यही दिक्कत है कि भाई मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता है एंड 4 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो शाम को अपन कुछ कर नहीं सकते एंड सैटरडे संडे पूरा ही बंद रहता है। अब जिस हिसाब से मेरे बाल बड़े हैं मेरे को बाल कटाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक काम करेंगे कि किसी ना किसी को बुलाएंगे घर पे बाल कटवाने के लिए। मम्मी और आभा से तो मैं कटवा नहीं सकता क्योंकि मम्मी से कटवा नहीं सकता एंड आभा यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को कहीं ना कहीं से ऑर्डर करना ही पड़ेगा कि भाई कोई आए और घर पे मेरा काम कर जाए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो वो मैंने कर चुका हूँ, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि करना पड़ेगा, बट मैं वो कर चुका हूँ। तो जैसे वो बंदा आता है मेरे बाल काटता है उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। ऐसा लग रहा है अपना हेयर स्टाइल भाई, मस्त घर पे आया, सब काट वाट के गया जैसा चाहिए था वैसा। कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ है कि देखो भाई ये ब्लॉग जो है ये बालों के ऊपर से मैं पूरा नहीं खींचूंगा, और इतना बोलूंगा कि भाई अब बड़े बाल रखने का ना अपना एक तरीके से शौक चला गया है। वो टाइम की आलस थी कि भाई कौन जाए सैलून को, उसके लिए मैं 6 महीने 8 महीने में बाल कटाता था, बट अब नहीं, अब अपने को थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड रहना पड़ेगा। क्यों ये आपको थोड़े दिन बाद तो पता चल ही जाएगा। एंड ये जो बाल है ये 10 दिन 15 दिन के बाद और बेटर और बेस्ट और स्मार्ट मैं लगूंगा इसके अंदर। जैसे क्या ही बोलूं मैं, आप लोग को पता है कि अपने पास एक हाथी है जो यहाँ अपन ने रखा हुआ है। अब ये जो हाथी है ना, ये प्रॉब्लम इसका ये है कि ये जब से मैंने लिया है तब से इसके अंदर ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है। मतलब मोस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स है ना उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता ही है कि वो जहाँ पे भी खड़ी रहेगी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल गिरते रहता है। अब पिछले 5 महीने से ये बाइक यहाँ पे खड़ी है, मैंने काम वाम तो करवा के रखा हुआ था लेकिन इसका जो इंजन ऑयल है वो हो चुका है ख़त्म। तो अपन ने वापस टॉप अप कराने के लिए इंजन ऑयल अमेजोन से मंगाया था जो कि आ चुका है, तो वही एक काम करेंगे, इसको अपन करेंगे रिफिल एंड हो सकेगा तो आज इसको अपन बाहर भी लेके जाएंगे, तो वो भी आप लोग को दिख जाएगा। मैं नया हेलमेट के अंदर गोप्रो का सेटअप करूंगा जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी आप लोग को दिख जाएगा। तो चलो पहले मैं इसको रिफिल कर लेता हूँ। ये लेवल देखा आप लोगों ने, इतना सा लेवल है, ये पूरा रहता है एंड गंदी है बाइक, तो हो सकेगा तो अपन धुला भी लेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये यार ये कि इसका जो ये वाला नॉब है ये वाला, ये हद से ज़्यादा बिकॉज इतने दिन से खड़ी है ऑयल की वजह से वो थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो कुछ ना कुछ अभी जुगाड़ करके इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो मैं भर देता हूँ। देखो भाई जुगाड़ से तो अपन ने कर ही लिया, तो देखो ये एक जुगाड़ किया ये ऑयल भरने के लिए, और ये क्योंकि पहले से था तो ये पूरा अपने को भरने नहीं मिला, तो एक तरीके से अपना ये तो भाई सही हो गया। एंड बहुत दिन बाद मेरे को धूप भी मिल रही है तो ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है। अब ये देखने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी बड़ी बाइक रखी है, स्कूटर है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, फिर भी अपने हाथ से इंजन ऑयल क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि अपने को मज़ा आता है, और दूसरी बात ये है कि भाई कंटेंट मिल जाता है। तो देखो भाई सच्चाई जो है वो, अने अपने को मज़ा भी आता है, इसके लिए अपन ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं बहुत पहले खुद अपनी गाड़ी सर्विस भी करता था, बट 2-3 चीज़ें अपने से मिस्टेक हो गई है उसका भरपाया अभी भी अपन करते हैं, बट फिर भी सीखने मिला है गाड़ी के बारे में। जितना आप अपने बाइक के बारे में जानोगे उतना ही अगर आप कहीं पे जा रहे हो फंस रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या इशू है। और एक चीज़ मैं जो बिल्लियों का कहर बोलता था वो देखो, मतलब ये जो कपड़ा था पीछे जिससे मैं साफ़ कर रहा था ये कपड़े से मैं ढक के गया हुआ था, सारी चीज़ें लगा गया हुआ था, फिर भी बिल्लियों ने ढूंढ के और भाई काट लिया है। तो अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा और खर्चा करूँगा नहीं। देखो भाई सेटअप तो अपना रेडी है पूरा, लेकिन ये सेटअप में एक इशू ये आ रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल
ये एंगल जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब ये मैंने पूरा किया हुआ है बिकॉज ये जो जे अपना अमाउंट है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अभी मेरे को लगता है कि मेरे को ये पूरा सेटअप वापस से एक बार ठीक से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करके देखा एंड इसकी एंगल में थोड़ा इशू है। बाकी तो देखो भाई इतना क्लीन सेटअप नहीं है क्योंकि फटाफट बनाया था, बट सोचा कि लेके जाएंगे, बट अब नहीं लगता है कि ये मेरे को लेके जाना चाहिए। अपन तो भाई सोए हुए थे, ये कैमरा से भी थोड़ा ब्लॉक कर लेते हैं तो बुरा मन जाएगा। अपन सोए हुए थे, अपने को मैसेज आया आभा से कि एक पार्सल आया है आपके लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कैमरा पे कर देंगे। उन्होंने बोले कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अब वो क्या सरप्राइज़ है, एक तरीके से मुझे आइडिया तो है क्योंकि मैं बहुत दिनों से कुछ चीज़ उसे बोला था, क्या पता उसने वो चीज़ खरीद दी हो। खोल के देखते हैं, आपके सामने ही देखेंगे, अपन अपना रिएक्शन देंगे कि कैसा है। तो ज़रा रख देता हूँ कैमरा और अनबॉक्स करता हूँ। तो यही है, अब बॉक्स जिस हिसाब से है, मेरे को ऐसे मैंने उसको दो तीन चीज़ बताई थी, मुझे ये लेनी है ये लेनी है। अब उसमें से ये क्या चीज़ उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया मेरे को नहीं मालूम, तो एक बार खोल लेते हैं देख लेते हैं। ओके ओके, सो ये है बोट का वायरलेस हेडफोन है ये, एंड ये मेरे को मिलिट्री ग्रीन कलर में चाहिए था, वही कलर में आभा ने ये ऑर्डर किया है। तो मैंने ऐसे ही बोला था मुझे चाहिए, मैं ऐसे ही बोला था बिकॉज क्या होता है ना कि मेरे पास वायर्ड हेडफोन्स है, वो मैं पहन के पूरे दिन पीसी पे बैठा रहता हूँ, एंड कुछ अगर करना होगा तो वो मेरे को ऐसे हेडफोन निकालो डालो बार बार वो चीज़ है, और फिर होता था यार उसके लिए मैं सोचता था कि क्यों नहीं चले वायर्ड की बजाय एक वायरलेस हेडफोन यूज़ किया जाए। एंड मैंने ऐसे ही उसको बोला था कि मेरे को ये वाला हेडफोन है ना मिलिट्री ग्रीन में मिलेगा ना, जैसे आप लोगों को पता है आर्मी के लिए अपना प्यार, अपन कोशिश करते कि कैमोफ्लाज चीज़ अपने को फटाफट, मतलब कहीं से भी कुछ भी चीज़ मैं खरीदूँ तो मैं वो कैमोफ्लाज हो। सो यही उसने अपने लिए ऑर्डर किया है। अब इसको ज़रा एक बार सिर्फ अनबॉक्स करके मैं दिखा देता हूँ, प्ले वे जो भी करना है इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई है, मैं पहले ऐसा नहीं करूँगा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊँगा। एंड बोट एक ब्रांड अच्छा ही है, मैंने इसके पहले बोट का बोट रॉकर्स ही है, ये भी तो बोट रॉकर्स है बट कोई तो बोट रॉकर्स याद नहीं है। मैंने ट्यून एलाइट के साथ उसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था, होगा कहीं पे वो आप लोग देख लेगा या फिर मैं आई कार्ड में डाल दूंगा। ये सिर्फ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा है पहन के मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मेरे को बॉक्स फाड़ना नहीं है। ओके okay. देख रहे हो आप लोग, ये यही अपने को थोड़ा सा प्यार है इस चीज़ से, उसके लिए इसने अपने को ये भेजा है। एंड लेफ्ट राइट ओके, तो ये ऐसे है देखो। हाँ मैंने मतलब अभी एक तरीके से मेरे को मेरी आवाज़ नहीं आ रही उसके लिए मैं निकाल देता हूँ। तो यही उसने अपने लिए ख़रीदा है जो कि चार्जेबल है, चार्ज वार्ज हो सकता है। देखते हैं अब इसको अपन यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे को कैसा लगा। मतलब ऐसे मैं कोई रिव्यू व्यू देने वाला नहीं हूँ, बट अपना साथ थोड़ा ना दिन ठीक ठाक नहीं चल रहा था, सो गए थे अपन, सो के उठे हैं ऐसा सरप्राइज मिला, तो अब बाकी का दिन है वो तो अब अच्छे से जाएगा। तो थैंक यू सो मच आभा फॉर दिस, मेरे को चाहिए था एंड फाइनली तुमने मेरे को ये लाके दे दिया। बस ये ब्लॉग को मैं यही पेंट करना चाहूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जो भी लोग देखते हैं उन लोग को थैंक यू सो मच, अभी भी आप लोग मुझे देखते हो, मैं पिछले इतने दिन से वीडियोज़ डाल रहा हूँ, देखते हैं रेगुलरली कुछ व्यूअर्स हैं जो देखते ही हैं, तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद।